फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा 6 सितंबर को बर्थडे था, जिस दिन की तीज फेस्टिवल था, खुद का ही फास्टिंग था, तो फिर केक तो हम लोग कट नहीं किए क्योंकि कितना भी शॉप वाला बोलता है एग नहीं है, बट ये सब लगता है कि हाँ एग होगा, तो स्किप किए। और मेन मुझे केक बहुत पसंद है, अगर मैं कट करूंगी तो खाऊंगी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और थोड़ा सा वॉइस अलग आ रहा होगा क्योंकि थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बस इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ अपना केक कट करने, मेरा भाई भी आया हुआ है तो बस साथ में केक कट कर ले रहे, क्योंकि केक लाके रखा हुआ था, तबीयत बहुत ज्यादा खराब था दोस्तों 6 तारीख को फास्टिंग करने के बाद, 7 तारीख और आज है 8 तारीख का शाम है और 7:30 या 7 बज रहा होगा अभी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, अभी हम लोग आपके साथ केक कटिंग वाला ब्लॉग भी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा केक, हस्बैंड उसी दिन ही लाए थे बट तबीयत बहुत खराब था ना, तो फिर मैं केक नहीं कट करी और तीज था इस वजह से भी नहीं केक कट करी कि चलो नेक्स्ट डे कर लेंगे। अच्छा है, टेस्टी है केक। अच्छा टेस्टी वाला केक है, चॉकलेट केक। अभी मेरे हस्बैंड दसगात हुआ था ना दोस्तों, इस वजह से टकले हैं तो थोड़ा मोगैम्बो जैसे लग रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा, तो वैसे ही लगेंगे ना अभी टकले हुए हैं तो। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं, मेरे भाई है ये अपने दुनिया में लगा हुआ है। ये भी एक बड़े यूट्यूबर है। हाँ, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। ठीक है, जो आपको आगे चल के पता चलेगा। बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा दोस्तों, और इनका चैनल ये भी यूट्यूबर नहीं बन पाएगी लेकिन आज से 10 साल बाद आप इंडिया के नंबर 1 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इसके पुराने वीडियो में जरूर पूछ पाएंगे। मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी, मैं कुछ नहीं, घर वालों की नजर में। आपका फोन क्या, आईफोन? थोड़ा इसमें इसको लगा देना, तो उसी से भेज देगा। एयर ड्रॉप मार दूंगा, एयर ड्रॉप। बहुत बड़े साहब हैं, फोन आते रहता है दोस्तों। ना तबीयत सही है, इसके साथ में मैनेज करना पड़ेगा। इंजीनियर से दोस्तों, मेरे भाई को देखो, देखो क्या कर रहा है, देखो फैन बंद हो गया है इसका, अभी तक कैमरा ही साइड चल रहा है। जिस एंगल पे फोन है उस एंगल पे मैं तो बड़ी काली दिख रही हूँ, ऐसे ठीक दिख रही हूँ। मेरी बहन को भी बुलाए दोस्तों कि आ जा केक काटूंगी मैं, तू ताली बजाना, मुझे ताली बजाने के लिए लोग चाहिए। तो वो नहीं आई, गणेश पूजा घूमने जा रही है अपने हस्बैंड के साथ, हम लोग भी जाएंगे अभी। जल्दी करो, मैं चॉकलेट खाऊं। कहाँ से लिए तो वैसे ही चॉकलेट, तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं दुकान से मिला है, क्योंकि सत्यम तो नहीं है, अभी तो लिखा रहता इसलिए पूछी। इस एंगल पे नहीं केक देख करके एक बार खुशबू कुकर में केक बनाई थी, वैसा केक मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। अच्छा बनाई थी भाई वो केक, एक पत्थर की तरह था, ज्वालामुखी से पत्थर निकल के एक सेडिमेंटरी रॉक बनता है ना, बिल्कुल उस रॉक की फीलिंग थी। नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा से मस्त नहीं हो सकता था, ज्यादा नहीं थोड़ा जल गया था। बड़े सर के खिलाफ नहीं, अरे बड़े हो भाई, अबे देख नहीं रहा।
तुम लोगों को जमाने का जरूरी नहीं है, फ्रेश बना देंगे ना थोड़ा को। बड़ा स्लो है इसका। आ गया। हाय। और केक मैं दिखाता हूँ। मोबाइल को निकाल दो। और ये लोग ट्राइपॉड सेट किए हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखो कैसे पति देर मोबाइल को निकाल दो। हां चार्जिंग में मोमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। चार्जिंग में लगा दो ताकि जब बूढ़े हो जाएंगे बिस्तर पर बैठ के देखेंगे जवानी के दिन उन्होंने क्या किया था। बाहर बर्थडे सेलिब्रेशन के बजाय घर ही उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। तीज के बाद भी केक तो साथ में काटेंगे ही। तो फ्रेंड्स 6 सितंबर हरतालिका तीज व्रत के दिन का ये ब्लॉग है दोस्तों। हस्बैंड मुझे सरप्राइज मोबाइल फोन गिफ्ट किए थे। हम लोग का बहुत दिन से प्लानिंग चल रहा था आईफोन लेने का दोस्तों। हस्बैंड के पास आईफोन है और मेरे को भी इच्छा था कि मैं भी आईफोन रखूं और काफी टाइम से सबके पास देख के मेरा भी इच्छा था दोस्तों। तो हम लोग दोनों बात भी किए थे और एक बार शॉप में आए भी थे। 9 सितंबर को न्यू लॉन्च हो रहा था प्रो 16, तो प्लान था कि उसके आसपास ही आईफोन लेंगे ऐसा। पर ये भी चल रहा था, एक बार मेरे से डिस्कस किए थे कि सैमसंग का भी फोन इससे रिलेटेड बताए थे, बट मैं ना मना कर दी थी दोस्तों। बट मुझे अभी जो फोन लाके दिए हैं राजेश ब्लॉगर ट्रक ड्राइवर, आप लोग देखे होंगे काफी फेमस है राजेश ब्लॉगर, तो उसके पास भी यही वाला मोबाइल फोन है दोस्तों। ये भी सर्च किए हैं इसके बाद मुझे ये फोन लाके दिए जो मुझे गिफ्ट किए दोस्तों। इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा S24। तो आप लोग रेट देख सकते हैं और नहीं तो मैं रेट बता भी दे रही हूँ। 1,35,000 का मेरा मोबाइल फोन है दोस्तों, तो मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। बट हाँ, काफी टाइम से मेरे दिमाग में था आईफोन लेने का, लेकिन काफी ज्यादा सर्च करने के बाद और पता करने के बाद यही फोन बेस्ट लगा मेरे हस्बैंड को भी और मेरी सिस्टर के हस्बैंड को भी, क्योंकि वो भी काफी ब्लॉगिंग देखते हैं। तो मुझे बताए कि दीदी राजेश ब्लॉगर इसी फोन से ब्लॉगिंग करता है। एक टायर लगता है। फोन है क्या? नहीं मेरे को नहीं चाहिए सैमसंग। देख तो ले पहले। अरे वाह बर्थडे गिफ्ट मिला है। नहीं मेरे को आईफोन चाहिए। दो दो आईफोन आ जाएगा बुआ इसमें मेरे जैसा 80-80 हजार का। लेकिन इसमें पीछे थोड़ा बोला कि ब्रांड दिखेगा ऐसे। फ्रेंड्स बर्थडे सरप्राइज के दिन का ये कुछ पिक है मोबाइल फोन और हम लोग बैठे हैं, यही पिक है दोस्तों। आई होप आप लोग ब्लॉग को एंजॉय किए होंगे। मेरे दिमाग में आईफोन का ही था दोस्तों, इसीलिए मेरा रिएक्शन जो था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। बट रियली फोन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं हैप्पी हूँ। थोड़े टाइम के बाद तो समझ में आता है ना कि रियली खुश होना तो बनता है क्योंकि सरप्राइज मिला है और मैं ये सब चीजों से बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, पता है मेरे हस्बैंड को। लेकिन ना उस समय का मेरा रिएक्शन ऐसा ही है दोस्तों, क्योंकि आईफोन रील्स बनाऊं और पीछे एप्पल दिखे वो मेरा इच्छा था। लेकिन ये फोन बहुत अच्छा है क्योंकि सचिन मनीषा के ब्लॉग में, सचिन मनीषा बड़े यूट्यूबर है दोस्तों, उनके ब्लॉग में भी इस फोन के बारे में सचिन से मैं सुनी थी और फिर मुझे पता चला कि मिलियन में सब्सक्राइबर हैं राजेश ब्लॉगर का और ट्रक ड्राइवर राजेश ब्लॉगर का, और उसके पास भी यही मोबाइल फोन है जिससे कि वो वीडियो शूट करता है, प्लस ड्रोन वगैरह भी एक्स्ट्रा ट्राइपॉड वगैरह का भी यूज करके। तो फिर मुझे अच्छा लगा दोस्तों और मैं खुश हो गई। और हस्बैंड बोले हर फोन 4 साल में खराब हो जाता है, तो मैं बोली 4 साल के बाद फिर मुझे न्यू दिलाओगे?
तो बोले कि हाँ जब न्यू देने के लिए रेडी हैं तो फिर इतना क्यों सोचना। हस्बैंड का कहना था कि घर में एक आईफोन है ना, तो एक न्यू फोन लेते हैं, अलग लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।